एक बार हम आपको दिखाते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी से हमारे संवाददाता हनुमंत ने बात की है। हमारे साथ हैं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी जी, उनसे जाने की कोशिश करते हैं किस तरीके की परिणाम की उम्मीद थी और जैसे कि परिणाम शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? परिणाम जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। विपक्षी लोग कहते थे कि ये वास्तव में मोदी की लहर और आंधी नहीं है, लेकिन चुनाव परिणाम ये कह रहे हैं कि ये लहर नहीं एक आंधी है, जिसमें विपक्ष कहाँ उड़ा है पता नहीं लग रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से मिशन 25 का दावा किया गया था, लेकिन जो है दूसरी पार्टी पूरी तरीके से जो है शुरुआती रुझान में मात खाती दिखाई दे रही है, इस बारे में क्या कहेंगे, क्या मिशन 25 एक बार फिर भाजपा? मेरा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी मेरे पोलिंग बूथ के उन कार्यकर्ताओं के आधार पर हम टिके हैं, सारा हमारा काम उनके ऊपर है। पोलिंग बूथ के मेरे कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनाव को हार को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस हार को ब्याज सहित हम चुकाएंगे। और मैं मेरे लाखों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने इस चुनाव में काम किया है, बूथ लेवल वाले कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि आज ये ईवीएम मशीनें जो बोल रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इसके बारे में ईवीएम को लेकर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या? मशीन पर हार को पचा नहीं पा रहे हैं, उनको पहले पता लग गया कि हम हारने वाले हैं। सूर्य जब उगता है तो पता लग जाता है कि आज का दिन किस प्रकार से निकलने वाला है। जब मतदान हो गया उस समय सबको पता था कि हम हारने वाले हैं। हारने का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, नेताओं पर, उनके काम पर, उनके व्यवहार पर, तो उसे बचने के लिए उन्होंने इस मशीन को टारगेट बनाया जो ना बोल सकती है ना कुछ कह सकती है, ऐसी निर्जीव मशीन को उन्होंने टारगेट बनाने की कोशिश की। मैं सोचता हूं उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी योजना में, उनकी नीतियों में, उनके व्यवहार में जो कमियां हैं उसको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। शुरुआती रुझानों में यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में पूरी तरीके से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते मदनलाल सैनी जो है यहाँ पर काफी खुश जा रहे हैं। उनका दावा है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो रंग लाई है और उसका परिणाम साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाताल के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV, जयपुर। चलिए, भाजपा के खेमे में ये वाजिब भी है ये उत्साह, ये जश्न, क्योंकि रुझानों में 25 की 25 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना रखी है।